सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आ रहे हैं? होप आप लोग मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप अपने YouTube वीडियोस की ऑडियो को अच्छे तरीके से कैसे एडिट कर सकते हो। वैसे तो लैपटॉप और पीसी के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जिससे आप अपनी ऑडियो को जो है वो अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप अपने फ़ोन से ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपकी वॉइस कब रिकॉर्ड हुई है आपकी वीडियो में तो आप उसे कैसे हाई कर सकते हो। अगर पीछे बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइस आ रही है आपकी वीडियो में तो उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हो, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यार आप एक चीज़ का टेंशन बिल्कुल मत लेना कि मैं ये सारी चीज़ें आपको जो है वो लैपटॉप या फिर पीसी या फिर डेस्कटॉप से करके दिखाने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है आपके फ़ोन से ही करके दिखाने वाला हूँ। जो आपके पास फ़ोन है उसी से करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली में मेरी 2-3 वीडियो आप अगर पीछे देखोगे तो मैंने अपनी वीडियो में जो माइक यूज़ किया है वो अपने फ़ोन का माइक यूज़ किया है और उसमें आप देख सकते हो कि एक भी नॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कैसे ऑडियो को एडिट करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। बट यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लो जिससे तुम्हारे भाई की वीडियो टाइम टाइम पर तुम्हारे पास पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आज अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना जिससे आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे चले जाना और वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये एकदम कमाल का एप्लीकेशन है, मोबाइल के थ्रू आप अपने ऑडियो को अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो इसकी मदद से। तो आपको इसे जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ज्यादा एमबी का नहीं है, 10 से 12 MB का है जो आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल से आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही ये लैंडस्केप मोड में आपके आ जाएगा कुछ इस तरीके से, फुल मोबाइल स्क्रीन में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी जो आपको दे देनी है जिससे आपका आपके फोल्डर मतलब फाइल्स में इसका फोल्डर क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको अपनी ऑडियो को एडिट कैसे करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका ऑडियो हो, यहाँ पे कई सारे फोल्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और जो भी आपका ऑडियो हो उसको आपको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद वो कुछ इस तरीके से इम्पोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको किस तरीके से अपने ऑडियो को एडिट करना है अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपने कहीं ऐसे ही जगह पे वीडियो रिकॉर्ड करी है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ रही है, तो आप उस नॉइस को कैसे रिड्यूस करोगे और कुछ एक दो जो है वो एडवांस लेवल के जो है वो इसमें इफेक्ट दिए हैं जो आप अगर यूज़ करना चाहो अपनी ऑडियो में तो यूज़ कर सकते हो। उससे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको इस तरीके से सबसे पहले ऑडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या, सिंपल से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इफेक्ट ऑडियो वाला दिख रहा है इसमें कितना सारा नॉइस है। अभी यहाँ पे आप देख लो कि कितना सारा इसके अंदर यहाँ पे नॉइस है, लेकिन अब मैं जो भी मेरे ऑडियो के अंदर जो है वो नॉइस है वो मैं रिड्यूस करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बारी ऑडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का मेरा जो है वो वॉइस है अभी के टाइम पे जब इसके अंदर नॉइस है और मेरा जब मैं नॉइस रिड्यूस करूंगा उसके बाद कैसा वॉइस होगा। तो चलिए देख लेता हूँ। सिंपल से यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ से, तो सुनो। सो गाइस, कैसे रहे हो आप लोग, मस्त हो गए। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप अपने YouTube वीडियोस के लिए एकदम प्रोफेशनल तरीके से थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो जैसे कि मैं क्रिएट करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मेरे पीछे जो ऑडियो है मेरी उसके पीछे साय 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 ऐसे कुछ करके नॉइस आ रही है, थोड़ा सा चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही हैं जो कि बैकग्राउंड में है। तो अब मैं इसको रिड्यूस करके दिखाने वाला हूँ और आप इसके जो लेयर है आपका ये वाला, इसको आप एक बार ध्यान से देख लेना, इतना चौड़ा पट्टा है लेकिन जब मैं इससे नॉइस इससे रिड्यूस करूंगा तो कितना छोटा ये इफेक्ट बन जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान देना। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल से आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे चले जाना और यहाँ पे आपको सिंपल से करना है क्या, कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट दिख जाएंगे जो आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको पहले नॉइस रिड्यूस करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल से यहाँ पे आपको दिख जाएगा नॉइज रिडक्शन, तो सिंपल से यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप प्ले करके भी देख सकते हो कि अगर आपका नॉइस रिड्यूस हो जाएगा तो कैसा आपका ऑडियो आएगा वो भी देख सकते हो। और यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करके इसको अप्लाई भी कर सकते हो अपने ऑडियो के ऊपर। तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं अपने ऑडियो के ऊपर। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ये आपके ऑडियो पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये आपकी ऑडियो पे अप्लाई हो रहा है। तो बहुत ही कमाल का जो है वो ये एप्लीकेशन है जो आप इससे अपने ऑडियो को एडिट कर सकते हो और एकदम बेटर तरीके से जो भी नॉइस रिडक्शन होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसके इफेक्ट को देख सकते हो कितना ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, कितनी चौड़ी पट्टी थी और कितना ज़्यादा यहाँ से अपना नॉइस रिड्यूस हो चुका है, कितना ज़्यादा नॉइस था मेरे ऑडियो के अंदर लेकिन अब नहीं है।
बिल्कुल से ख़त्म हो चुका है, एकदम क्लियर और क्रिस्पी आवाज़ आएगी। जो भी आपका ऑडियंस होगा उसके तक जब आपकी आवाज़ जाएगी वो उसको क्लियर सुनाई देगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हो। बट यहाँ पे एक सिचुएशन और आती है नॉइस के बाद भी, कि अगर आपकी वॉइस आपकी वीडियो में कम आ रही है तो आप उसे दोगुना कैसे करोगे, ज़्यादा कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको करना क्या, फिर से थ्री डॉट पे जाना है और यहाँ पे आपको इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इक्वलाइजर एम्पलीफायर। तो सिंपल से इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब जो आपका नॉर्मल वॉइस होगा उससे ये दोगुना बढ़ जाएगा, मतलब कि हाई हो जाएगा, मतलब जो आवाज़ धीमे धीमे चल रही थी आपकी, मान लो जैसे कि कुछ इस तरीके की होगी। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे, आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपकी वॉइस कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे, आई होप आप लोग मस्त होंगे। थोड़ा तेज तेज लाउड सुनाई देने लग जाएगा। अब यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। उसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ें और बताऊँगा जो कि आपको काम में आ सकती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे यूज़ कर लेना, बट यहाँ पे अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसके ग्राफ को देख सकते हो कितना ज़्यादा लाउड हो चुका है ये। सो गाइस, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या, सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर देना है, फिर से आपको इफेक्ट के ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आपको, अगर आपकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा लाउड है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो ज़्यादा लाउड है, तो यहाँ पे आपको कंप्रेसर दिख जाता है, इस पर आप क्लिक करके जो है वो डाउन कर सकते हो, अपनी वॉइस को मीडियम में रख सकते हो और इको मिल जाता है आपको यहाँ पे, जो आप देखते हो बार बार एक आवाज़ को दो तीन बार वो बोलता रहता है बैकग्राउंड में, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। रिवर्ब दिख जाता है और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हो। या फिर अगर आप गाना गाना चाहते हो, कवर सॉन्ग बनाना चाहते हो अपने चैनल पर, आप स्टार्टअप करना चाहते हो, तो कुछ इस तरीके से इसकी मदद से आप एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे लैपटॉप के लिए ऑडासिटी होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो आप मोबाइल के थ्रू अच्छी खासी ऑडियो एडिट कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको ऑडियो एडिट करना तो सिखा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि आपको हो सकता है काम में आ जाए। यहाँ पे आपको ये रेड रेड बिंदु दिख रहा है, अगर आप इससे जैसे कि और फाइल खुद से इसी के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हो, आपने कोई अनदर फाइल नहीं रिकॉर्ड करी है, तो इस रेड वाले बटन पे क्लिक करके आप इसके अंदर भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप इंपोर्ट करना गैलरी के अंदर से नहीं चाहते हो और डायरेक्ट इसी से रिकॉर्ड करना चाहते हो, फिर इसमें इफेक्ट वगैरह वगैरह डालना चाहते हो, तो आप इस रेड वाले बटन पे क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पे उसके साइड में जो दिख रहा है आपको पॉज कर सकते हो और यहाँ पे आपका जो ऑडियो है रिकॉर्ड हो जाएगा और आप उसे एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इफेक्ट दिख जाएगा, इफेक्ट में काफ़ी सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको लगाना है यहाँ से आप लगा सकते हो। बट यहाँ पे अगर मान लो कोई बाई चांस आपने गलत इफेक्ट डाल दिया है, तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको दिख जाएगा अंडो, इस पे क्लिक करके आप जो है वो फिर से अपने ऑडियो के अंदर सुधार कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे तरीके से सब कुछ मैंने समझा दिया होगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको अपने ऑडियो को एडिट कर लेना है, यूट्यूब की वीडियो के लिए जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड करा है उसको यहाँ पे एडिट कर लेना है। बहुत ही कमाल का एडिटर है ऑडियो के लिए, मोबाइल फ़ोन से आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप अपने ऑडियो को सेव कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको सिंपल से सेव पे क्लिक कर देना है, ऊपर आपको दिख जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पे आप डन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से सेव के बटन पे क्लिक करके सेव कर सकते हो। बहुत ही आसान है। आई होप आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। तो बस यार, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके की आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।